मैं शनु श्रीवास्तव हूँ, कहानीकार हूँ। एक्चुअली मैं कहानियाँ लिखती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जो कहानियाँ लिखता है वो कविताएं भी लिख लेता है। और मेरी शिक्षा MA BEd है, मैं आज की गोष्ठी में उसी कविता को सुनाऊंगी। बाबा हम तुम एक जैसे हैं, ये कविता की ओर से लिखी हुई है। डगमग डगमग मैं भी चलता, डगमग डगमग तुम भी, मन ना लगता घर के अंदर और बाहर लगती सर्दी। बाबा हम तो एक जैसे हैं। समय पर खाना, समय पर सोना, ना हो तो मैं रोता। समय पर खाना, समय पर सोना, ना हो तो मैं रोता। तुम चिल्लाते हो घर वालों पर, घर में होता लोचा। बाबा हम तो एक जैसे हैं। जी करता है दिन भर घूमे, दिन भर करे इधर उधर। जी करता है दिन भर घूमे, दिन भर करे इधर उधर। पर माँ और बहू को मैंने अप्लाई किया है, कहीं वो माँ और बहू, पिता के लिए बहू हो जाएगी और पोते के लिए माँ। पर माँ कहती है बहुत हो गया, अब मत कर तू नाक में दम। बाबा हम तुम एक जैसे हैं। जरा सी आहट हुई नहीं कि नींद से उठकर बैठे हम। जरा सी आहट हुई नहीं कि नींद से उठकर बैठे हम। कौन आया है द्वार हमारे, जाने बिना न रहते हम। बाबा हम तुम एक जैसे हैं। क्या हो गया, क्यों हो रहा है, यह हमारा प्रिय प्रश्न है चार। क्या हो गया, क्यों हो रहा है, यह हमारा प्रिय प्रश्न है चार। कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे, मिलता है हमें यही उत्तर सदाचार। बाबा हम तुम एक जैसे हैं। तुम भी जिद्दी, मैं भी जिद्दी, करे वही जो ठाने। तुम भी जिद्दी, मैं भी जिद्दी, करे वही जो ठाने। बात बात में पापा मम्मी हमसे तुमसे हारे। बाबा हम तो एक जैसे हैं। मैं फैलाऊं खेल खिलौने, तुम फैलाओ पत्राचार। मैं फैलाऊं खेल खिलौने, तुम फैलाओ पत्राचार। छूकर देखे कोई वस्तु हमारी, मचा देते हैं हाहाकार। तुम अतीत का सम्मान हो बाबा, तुम अतीत का सम्मान हो बाबा, और मैं भविष्य का सपना हूँ। तुम अतीत का सम्मान हो बाबा, और मैं भविष्य का सपना हूँ। थाम हथेली वर्तमान का, वर्तमान मीन्स बेटा, पोते का बेटा और बाबा का बेटा जो है वो वर्तमान है, अतीत बाबा और भविष्य पोता। तुम अतीत का सम्मान हो बाबा, और मैं भविष्य का सपना। थाम हथेली वर्तमान का, तुम भी चलते मैं भी चलता, तुम भी चलते मैं भी चलता, और बाबा हम तुम भी। एक और कहानी है मेरी, सॉरी कविता, रोना मत तुम। मैं स्त्री हूँ इसलिए मैंने इसको स्त्रीलिंग में लिखा है, लेकिन ये कविता मैं समझती हूँ स्त्री पुरुष दोनों के लिए सही होगा, क्योंकि जो दर्द या जो व्यथा या जो परेशानी तकलीफ जीवन में हमारे साथ होती है वो उस दौर से पुरुष भी गुजरते हैं। तो मैंने लिखा स्त्रीलिंग में है, पर ये मुझे लगता है दोनों ही के लिए है। रोना मत तुम, हृदय लहू लुहान हुआ हो तो भी, आंखें लबलबा भरी हो तो भी, कलेजा छलनी हुआ हो तो भी, रोना मत तुम। किसी के शब्द आर पार हुए हो तो भी, साफ साफ शब्दों में अपमान हुआ हो तो भी, तुम्हारे वजूद का सरेआम तिरस्कार हुआ हो तो भी, रोना मत तुम। लगे कि छलनी हो गई हो तो भी, लगे कि ठगी गई हो तो भी, लगे कि बस अब सह नहीं पाओगी तो भी, रोना मत तुम। लगे कि कुछ पाया नहीं तुमने तो भी, लगे कि जीवन व्यर्थ गवा दिया तुमने तो भी, लगे कि सब कुछ करके भी हार गई तो भी, रोना मत तुम। लगे कि सारा त्याग व्यर्थ गया तो भी, लगे कि सारा समर्पण व्यर्थ हो गया तो भी, लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल गया तो भी, रोना मत तुम। रोना मत तुम, क्योंकि रोने से तो दर्द बन जाता है, आंसुओं की नमी से जल रहा आग बुझ जाता है। दर्द का दरिया बहने देना, दिल की आग को न बुझने देना। एक बनाना नाव ध्येय का, उसमें खुद को स्वयं बिठाना। संकल्पों की चप्पू लेकर द्रुत गति से तुम बढ़ते जाना। छोड़ किनारा
उस तट पर जाना, अपनी मंजिल स्वयं बनाना, अपनी मंजिल स्वयं बनाना, रोना मत तुम। किसी कविता से जोड़ती हुई दो लाइन में कहना चाहूंगा कि मुझे दिल तोड़ तुझे दिल तोड़ के मुड़ने का हुनर आता है, मुझे भी टूट कर फिर जुड़ने का हुनर आता है। तुझे दिल तोड़ के मुड़ने का हुनर आता है, मुझे भी टूट कर फिर जुड़ने का हुनर आता है। मेरे पंखों को कतरने की जरूरत क्या है, मेरे पंखों को कतरने की जरूरत क्या है, मुझे बिन पंख के उड़ने का हुनर आता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैडम सन्नू श्रीवास्तव जी की रही।